इसके बारे में पिछले साल बताया गया था कि जो लिस्ट बनी थी वो करीब करीब सभी लाभान्वित हो। अब नए तरीके से कुछ लिस्ट बना करके और इनको करने का है और काफी बड़ी संख्या में आप कर भी रहे हैं। देखिए, जिला योजना के लिए जनपद का परिव्यय तय होकर के पहले से शासन से आता है, उसके हिसाब से 5,34,00,000,000 रुपया राज्यांश के रूप में और लगभग 2,00,000,000,000 समथिंग कुछ केंद्रीयांश के रूप में, तो ये लगभग 7.5 अरब रुपए की जनपद के लिए विकास योजनाएं जो पूरे साल में संचालित होंगी ये बनाई जाती है। सम्मानित सदस्यगण, सभी विभागों के अधिकारीगण, प्रभारी मंत्री और सब लोग बैठ करके इस पे मंथन करते हैं। एक संरचना पहले तैयार होती है और उसका अनुमोदन इस बैठक में होता है। दुर्भाग्यपूर्ण थोड़ी परिस्थितियां ये रही हैं कि चाहे नासमझी हो चाहे अनदेखी हो, यहाँ की जिला योजना की संरचना पहले अधिकारी तैयार कर लेते हैं, वो 7.5 अरब कैसे बांट दिया जाए किस किस विभाग को ये वो तय कर लेते हैं और इस पैसे से हम क्या करेंगे ये भी तय कर लेते हैं और ये कहाँ पे करेंगे ये भी तय कर लेते हैं। यानी रूप पत्र 1, रूप पत्र 2 और रूप पत्र 3 जिला योजना के तीनों हिस्सों को ही तय कर देते हैं। तो वही उसी को लेके आज काफ़ी आपत्तियां हुई और रूप पत्र 1 और रूप पत्र 2 कंडीशनल इसे स्वीकृति प्रदान किया सदन ने कि रूप पत्र 3 के संबंध में जनप्रतिनिधियों से कोई इसमें परामर्श नहीं लिया गया, पहले कोई बैठक नहीं की गई, इसलिए वो स्थगित रहेगी और पहले यहाँ से ये पत्र आज ही जारी करेंगे सभी सदस्यों को और उनके सुझाव मांगेंगे। अब वो उनके सुझाव जब प्राप्त हो जाएंगे तो उसके रूप पत्र 3 में सम्मिलित कर दिया जाएगा। यानी अगर किसी कृषि विभाग या किसी भी विभाग, सड़क विभाग, उसके लिए जो धन आवंटित है उस धन से कार्य कहाँ पर हो, कौन कार्य हो ये तय हो जाएगा, लेकिन कहाँ पर हो इसके लिए सदस्यों से परामर्श मांगेंगे, वो पत्र दे करके और उनका सुझाव मांगेंगे और जब सदस्य सुझाव दे देंगे तो उसमें कहा गया है कि उसको सम्मिलित करके ये पूरी योजना पास मांगेंगे। आज एक महिला सदस्य ने इस्तीफा दिया, आपने बोला कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं कर सके, अपने इस्तीफा स्वीकार, इसकी जानकारी नहीं है। अभी सदनी कार्रवाई बहुत ही सुचारू रूप से संचालित हुई है, सभी सदस्यों ने उसमें अपना सहयोग किया है। सदनी कार्रवाई जब चलती है तो जो सदन के सदस्य नहीं होते हैं उन्हें सदन में आने अथवा कोई विषय उठाने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। उनका आरोप ये लगा है कि चार चार जिला योजना की बैठक हो चुकी है, उनकी बातें सुनी नहीं जा रही जिला प्रशासन द्वारा। कोई भी विषय, कोई भी आरोप इस प्रकार का मेरे संज्ञान में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे सभी अधिकारी, हमारे सभी विभाग गत 4 वर्षों में जनहित ऐसे इतने कार्यक्रम चला रहे हैं, जनता के सहभागिता के साथ, जनता के सहयोगी के रूप में हमारे अधिकारी विभाग काम करते हैं, तो किसी भी प्रकार का आरोप पूरी तरीके से मिथ्या, पूर्वाग्रह से ग्रसित और किसी के प्रेरित मुख भाव से निश्चित रूप से आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं।